वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स सब्जेक्ट में सिलेक्शन ऑफ मोटर पावर रेटिंग कवर कर रहे हैं टॉपिक इस सेशन के लिए हमने डिसाइड किया है थर्मल मॉडलिंग ऑफ मोटर फॉर हीटिंग एंड कूलिंग तो हीटिंग और कूलिंग के लिए हम थर्मल मॉडल डिज़ाइन करना यहाँ सीखेंगे आपको ये बहु, बहुत पसंद आएगा वीडियो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए सो so, यहाँ हमने जो डेरिवेशन किया हुआ है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे बट उससे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है हमें तो जब भी हम किसी आ, मोटर के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी एक्यूरेट हीट डिक्शन के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली हीट फ्लो कहां से कहां होने वाली है डेट विल डिसाइड के मोटर की जो एप्लीकेशन है टेम्परेचर राइज कितना होगा हीट फ्लो कितना होगा इलेक्ट्रिक मोटर में ठीक है सो so, वो हमें वहां जज करना होता है कोई भी मोटर होती है वो हेड्रोजीनियस मटेरियल की होती है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल वहां पर यूज होते हैं और उसका कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है सो so, जितने भी मटेरियल वहां पे यूज होते हैं डिफरेंट मटेरियल यूज होते हैं उसका डिफरेंट हीटिंग फिनोमिना होता है हीटिंग जो हीट को कंडक्ट करती है उसका डिफरेंट डिफरेंट वे आउट होता है कि कैसे कितना ज्यादा है किसी का कम होता है सो डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है तो so, सिंपल जो हम मॉडल uh, ड्राइव करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहली एजम्शन ये लेते हैं कि जो बॉडी है मशीन की वो होमोजेनियस है मीन सारी बॉडी एक जैसी बनी हुई है हालांकि जो मॉडल मॉडल बनेगा इससे वो थोड़ा इनएक्यूरेट होगा बट फॉर द डिजाइन इंजीनियर इट इज सफिशिएंट सो सबसे पहले हम यहां पर ये मानते हैं कि एट टाइम टी जो होमोजेनियस बॉडी हमारे पास है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे ठीक है कूलिंग मीडियम के क्या क्या पैरामीटर होंगे मोटर के क्या क्या पैरामीटर होंगे तो फर्स्ट पैरामीटर इज P1, वन दैट इज हीट डिवलप्ड द यूनिट इज इन वाट्स जो कि मोटर में जो हीट डिवलप हो रही है वो कितने वाट की हो रही है कितनी हीट डिस्डेसिपेट हो रही है दैट इज P2, टू दैट इज अगेन इन वाट्स एंड द वेट ऑफ द मशीन इज वी कैन टेक इट W, द एक्टिव पार्ट जो कि हीट डेसीपेट और हीट डेवलप में पार्टिसिपेट करेगा दैट इज इन किलोग्राम एंड स्पेसिफिक हीट हमने यहाँ पे लिया है एच को दैट इज जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस एंड ए इज द कूलिंग सरफेस दैट इज इन मीटर स्क्वेयर एंड डी इज द कॉफिशंस ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज इन जूल सेकेंड जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वेयर पर डिग्री सेल्सियस एंड थीटा दैट इज अन टेम्परेचर राइज इन डिग्री सेल्सियस

उसमें से कितनी डेसीपेट होगी बाकी जो बचेगी हीट वो हीट स्टोर्ड में काउंट होगी तो हमने यही बनाया यहां पर फॉर्मूला कि हीट स्टोर्ड इन टू द मशीन इज इक्वल टू हीट डेवलप्ड माइनस हीट डेसीपेटेड टू तो द सराउंडिंग मीडियम इसको जब हीट स्टोर्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास वेट होना चाहिए टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हम लेंगे यहां पे और इंक्रीज इन टेम्परेचर डी थीटा और डी थीटा इंक्रीज इन टेम्परेचर इन डी टी टाइम सो वील टेक पी वन डी टी माइनस पी टू डी टी सो दैट वी आर टेकिंग हेयर सो दिस इज द रिलेशन इन शॉर्ट वी आर है हम क्या लेंगे कि पी टू वट इज दिस पी टू पी टू के यहां पर क्या था कि हीट डेसीपेशन जो सराउंडिंग में हो रहा है तो उसमें पी टू क्या था हमारे पास इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं सो देट यू कैन कम्पेयर P2 क्या था हीट डेसिपेटेड P2 टू इज हीट हीट डेपेशन डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्लस द कॉफिशियंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है और कितने सरफेस एरिया से हो रहा है ठीक है और यहां पर डब्ल्यू एच टर्म है हमारे पास डब्ल्यू एच टर्म इज नथिंग बट थर्मल कैपेसिटी तो थर्मल कैपेसिटी को हमने यहां सी से रिप्रेजेंट किया है Now we can rewrite WH is nothing but represented by c d theta as it is p1 d t minus p2 d t right so अब d t को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि d theta by d t इसको हमने divide कर दिया पूरी term को now we are having p2 that is theta d a so we replace that right so अब यहाँ पर क्या होने वाला है सो जो हमारे पास टर्म है डी ए दैट इज नथिंग बट हीट डेसीपेशन सो हीट डेसीपेशन कॉन्स्टेंट हमने ले लिया कैपिटल डी सो वी आर टेकिंग इट कैपिटल डी हेयर सो नाउ वी आर हैविंग द टर्म इन द बॉक्स विच इज रिप्रेजेंटिंग द मॉडल जिससे कि हम सिस्टम के मॉडल के बारे में पता लगा सकते हैं अब इसको ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है दैन वी हैव टू प्रूव

temperature here we are having so that is tau d theta by d t that is equal to theta s minus theta so this is the first order differential equation we are having here we can find the solution of this that is theta minus theta is equal to theta s s minus k e raise to the power minus t by tau now we can find out the value of this के बाय पुटिंग टी इज इक्वल टू जीरो सो जब हमने टी की वैल्यू जीरो पुट की तो ये वाली टर्म क्या होगी दिस विल दिस टर्म विल बिकम वन राइट सो वी कैन यहां से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय डूइंग दिस एल्ज्रा सो वी कैन हैव के इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा एस एस माइनस थीटा तो दिस वैल्यू हमारे पास आई है इस वैल्यू को हमने ऊपर इक्वेशन में पुट किया राइट इन दिस इक्वेशन वी आर पुटिंग द वैल्यू और फिर हमारे पास आया कि हमने यहां पर ये लिखा थीटा एस एस माइनस थीटा सो वी कैन टेक ओपन अप द ब्रैकेट और वी कैन राइट इट लाइक दिस थीटा एस एस हमने यहां कॉमन लिया दैट इज थीटा एस एस वन माइनस इरेजार माइनस टी बाय टाव प्लस थीटा इरेज इ माइनस थ्री बाय एंड हियर दिस टाव इज नथिंग बट हीटिंग टाइम कॉन्स्टेंट राइट और जब हमने मोटर को कंटिन्यूसली रन किया हमने मोटर को फॉर इनफाइनेट टाइम तो हमने टी इज इक्वल टू इनफाइनेट पुट किया सो so, हमारे पास जब हमने इनफाइनेट पुट किया तो वी आर हैविंग ओनली दिस टर्म विद अस बिकॉज दिस इज एक्सपोनेंशियल एंड इट इज पार इन्फिनिटी विल बी देयर माइनस इन्फिनिटी विल बी देयर सो इट इज ऑफ नो यूज सो वी आर हैविंग थीटा इज इक्वल टू थीटा एस एस विच इज स्टडी स्टेट टेम्परेचर तो इनफाइनेट जब टाइम होगा कंटिन्यूअसली मोटर को हम रन करेंगे तो एक्जेक्टली वी आर गोइंग टू अचीव दैट सो यहां पर हमें इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना है ये इक्वेशन आगे भी यूज होने वाली है सो दिस इज द हीटिंग मॉडल ऑफ मशीन नाउ वी आर टारगेटिंग द कूलिंग मीडियम कूलिंग मॉडल जब हम कूलिंग मॉडल की बात करते हैं यहां पर सो so, कूलिंग मीडियम की जब हम बात करते हैं कूलिंग मॉडल की बात करते हैं तो कूलिंग और हीटिंग मॉडल दोनों डिपेंड करते हैं कि सराउंडिंग एटमोस्फियर कैसा है ठीक है सो so, जब हम कूलिंग मीडियम की बात करेंगे तो हमने लोड को थ्रोन कर दिया हमने लोड को थ्रोन ऑफ कर दिया है वहां पर एंड आफ्टर अचीविंग द टेम्परेचर थीटा टू सो थीटा टू टेम्परेचर अचीव कर लिया गया उसके बाद हमने लोड को थ्रो कर दिया है और Heat loss will reduce to the temp P, p1 dash, ठीक है और cooling operation यहाँ से शुरू हो जाता है और हमने यहाँ पे d dash ले लिया जो कि heat dissipation constant है d dash so previous equation C थी that that was c d theta by dt that is equal to p1 dash minus d dash theta now प्रीवियस वाले से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर पी वन था यहां पर पी वन डैश है यहां पर, वहां पर डी था यहां पर डी डैश है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू कूलिंग ऑफ द मोटर अब इनिशियल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं यहां पर इनिशियल कंडीशन सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन वी आर कि T इज इक्वल टू जीरो पे जब हमने लोड थ्रोन किया तो वहां पर टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू थीटा टू था So, जो हमने पहले इक्वेशन ड्रॉ की थी वो हमने यहां पे एज ए रेफरेंस लिखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा एस एस हमने थीटा एस एस डैश लिया माइनस टी बाय टाव डैश सो टाव डैश इज रिलेटेड टू द कूलिंग टाइम कांस्टेंट एंड प्लस विद थीटा टू ई माइनस टी बाय टाव डैश बिकॉज हम कूलिंग की बात कर रहे हैं यहां पर हमारा जो टाइम कांस्टेंट है वो चेंज होगा अब थीटा एस एस वहां पर क्या था पी वन बाय डी के इक्वल था तो दैट इज इक्वल टू पी वन डैश बायश और टाव डैश इज इक्वल टू सी बाय डी डैश सो दैट इज ए कूलिंग कॉन्स्टेंट जो टाव की हमने यहां पर बात की है और थीटा डैश होगा थीटा एस एस डैश इज इक्वल टू द स्टडी स्टेट टेम्परेचर राइज फॉर न्यू कंडीशन जो हमने डिजाइन की है कि हमने लोड को थ्रोन ऑफ कर दिया है वहां पर अब लोड को जब हमने थ्रोन ऑफ कर दिया है सप्लाई को हमने कट कर दिया है तो अल्टीमेटली जो स्टडी स्टेट टेम्परेचर होगा वो एम्बियंट होना चाहिए या जीरो होना चाहिए तो वी आर टेकिंग इट एज ए जीरो कि डैश इज इक्वल टू थीटा एस एस डैश दैट शुड बी इक्वल टू जीरो अगर हम एम्बियंट टेम्परेचर पे उसको लेके जा रहे हैं सो so, उस केस में जब थीटा एस एस इक्वल टू जीरो हो गया तो ये वाली जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज मॉडिफाइड लाइक दिस थीटा इज इक्वल टू थीटा टू इरेज इ माइनस टी बाय टाव डैश सो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो हीटिंग टाइम कांस्टेंट है और चाहे वो कूलिंग टाइम कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा रिस्पेक्टिव डेसिपेशन पे क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये डी डैश के इक्वल है और यहां पर जो टाव था दैट इज इक्वल टू सी बाय डी सो अल्टीमेटली दैट इज डिपेंडिंग अपॉन डी एंड डी इज वट

ठीक है यहाँ अगर मोटर लगी हुई है तो जितनी स्पीड से साफ्ट रोटेट करेगी उतनी स्पीड से ये फैन रोटेट करेगा और दिस इज गोइंग टू कूल डाउन यूर मोटर वट एवर बी देयर सो उससे उसकी परफॉर्मेंस हाई होगी ठीक है और कोई भी अगर वेरिएबल ड्राइव है या स्पीड हम स्पीड ड्राइव हम ले रहे हैं तो कूलिंग मीडियम इज गोइंग टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस तो यहाँ हमने ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें कि एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस थीटा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है सो so, अगर हम हीटिंग मॉडल की बात करते हैं तो टेंपरेचर जीरो से और एक स्टडी स्टेट टेम्परेचर तक राइज होगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और जब हम लोड को थ्रोन ऑफ कर देंगे सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एमबीएन टेम्परेचर तक अचीव करेगा ठीक है इन दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कॉन्स्टेंट एंड कूलिंग कंडीशन ओवर द एयर सो ये एक मॉडलिंग uh, uh, हमने की है दिस इज uh, अगर हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं सो दिस इक्वेशन इज द हीटिंग मॉडल और अगर इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं सो दिस इज द कूलिंग मॉडल राइट सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आपको यह वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड डो नॉट फॉगेट टू प्लस द बेलाइकन फॉर गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन